फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं खाने को। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लिटिल हार्ट बिस्किट्स। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इसकी क्वांटिटी और कैसा है इसका टेस्ट। सो ये वाली जो पैकिंग है लिटिल हार्ट्स की, ये अभी आई है मार्केट में। ये है पैकिंग 5 रुपये की और नेट वेट है इसका 20 ग्राम्स। सेम पैकिंग है जो बड़े वाले आती है, बट थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड इन्होंने चेंज कर दिया है एंड ग्रीन सिंबल व जीरो ट्रांसफर। तो आइए चलिए इसे ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने पीसेस निकलते हैं 5 रुपये की पैकिंग में। ओहो, तो इसमें तो काफ़ी पीस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो 5 रुपये के पैकेट में 20 ग्राम की क्वांटिटी में 8 लिटिल हार्ट्स हमें मिलते हैं। समथिंग एल्स तो यहाँ रख देता हूँ। तो आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं क्या टेस्ट में कुछ चेंज है या ये वही लेजेंडरी पुराना टेस्ट है इसका अभी भी। तो आइए चलिए इसे ट्राई करते हैं। ऑसम। टेस्ट वही पुराना है जैसा पहले था, वही ऑसम, वही शुगरी सिरप और थोड़े से इसमें आइसिंग शुगर। पैकिंग थोड़ी नई है, रीजनेबल है। अब 5 रुपये की हो गई है, पहले 20 की आती थी, फिर 15 की भी आनी शुरू हुई, 10 वाली पैकिंग अब आती है और अब ये 5 वाली पैकिंग आती है। लिटिल हार्ट बिस्किट्स ने मार्केट में कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं किया, क्योंकि लिटिल हार्ट से ब्रिटानिया के ही आते हैं और किसी कंपनी के नहीं आते हैं। तो यहाँ पर एक मोनोपोली है कि अगर लिटिल हार्ट चाहिए तो ब्रिटानिया के इसी प्रोडक्ट के लिए ही जाना पड़ेगा। बट एज यू कैन सी से लिटिल हार्ट्स क्लासिक्स, यहाँ पे क्लासिक मेंशन है। हो सकता है कि इसके और भी वेरिएंट्स आते हो, कि जहाँ तक मुझे याद है बहुत पहले मैंने लिटिल हार्ट चॉकलेट भी खाया है, तब वो बड़ा बड़ी पैकिंग में आता था। ओके, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक स्टोर इन कूल हाइजीनिक एंड ड्राई प्लेस। और कुछ खास इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दीज आर जस्ट सिंपल बिस्किट्स, पर ये बहुत टेस्टी हैं। आई गेस इस पर मेरे को ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब ने ही ट्राई करा है। बट अभी की नई पैकिंग आई है तो यू गाइस मस्ट ट्राई दिस। ये काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है और अगर 5 रुपये की बात करें तो 5 रुपये के हिसाब से 8 पीसेज इतने बुरे नहीं है। 20 ग्राम की ये पैकिंग है। तो आइए चलिए इसे आप देते हैं एक फूड रिपोर्ट। लिटिल हार्ट बहुत ही पुराना बिस्किट है, बहुत ही पुराना ब्रांड है ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया एक वेल नोन ब्रांड है ग्लोबल मार्केट में। तो टेस्ट में तो ये अनबीटेबल है, इसको मैं दूंगा 4 out of 5। 4 इसलिए क्योंकि लिटिल हार्ट्स ने इतने सालों तक कुछ खास ऐसा इम्प्रोवाइजेशन किया नहीं है अपने बिस्किट्स में, मतलब लिटिल हार्ट वाले कंसेप्ट में कोई खास इम्प्रोवाइजेशन किया नहीं है। बट हाँ, ये है कि इतने टाइम तक वो सेम फ्लेवर, सेम टेस्ट और सेम कस्टमर्स को मेंटेन करना, मार्केट को कैप्चर करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उसके बेस पे 4 out of 5, क्योंकि अभी भी वही क्लासिक टेस्ट देता है जो ये पहले देता था। क्वांटिटी की बात करें तो 5 रुपये में अगर अब ये अवेलेबल है तो इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि ये जनरली बहुत एक्सपेंसिव बिस्किट्स हैं। ये 20 रुपये के पैकिंग में पहले आते थे और इतनी ही क्वांटिटी में, थोड़े से ज़्यादा होते थे बट इतने ही पीसेज होते थे। अब इसके पीसेज 5 रुपये में अगर 8 है तो इट्स रियली गुड। हम अगर 5 में कुछ खाना है तो फिर हम इसको जा सकते हैं, और स्वीट्स में देखना चाहें तो अगर थोड़ा बहुत ही खाना है मीठे में और तो ये बहुत क्लास अपार्ट बिस्किट्स हैं। तो अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो क्वांटिटी वाइज भी ये हर जगह फिट करता है कंपटीशन में। तो यस, सो 4 out of 5 फॉर दिस थिंग। सो आप प्लीज़ बताएं कमेंट में कि जब आपने सबसे पहली बार लिटिल हार्ट ट्राई करा तो आपको कैसा लगा और कैसा उसका टेस्ट था, और आपको अब कितने पसंद है लिटिल हार्ट, और ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि लिटिल हार्ट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करे या कोई नए वेरिएंट निकाले, क्योंकि लिटिल हार्ट जनरली क्लासिक फ्लेवर में ही इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना और कमेंट में प्लीज़ बताना कि आपको और क्या क्या ऐसा प्रोडक्ट पसंद है जो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपके पास लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।